आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज यमुनानगर दौड़ा है भारतीय इतिहास के लोक पुरुष और आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर यानी आज ही के दिन जयंती मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना थी कि देश एक राष्ट्रशक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक उस सामूहिकता का सही संचालन न किया जाए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया था, तभी से आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यमुनानगर के एडीसी के भादू ने कहा कि आज के दिन रन फॉर यूनिटी और एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई है। इसका यही उद्देश्य है कि जिस तरह सरदार पटेल ने सबको एक सूत्र में पिरोने का संदेश दिया था, सभी मिलजुल कर एक सौहार्द से रहे। वह इस मैराथन में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य विभागों के कर्मचारी भी, आयुष विभाग, स्कूली छात्र छात्राओं और कई संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने भाग लिया है और 700 के करीब, लगभग 700 से ऊपर ही पुलिस के कर्मचारी जो कि पुलिस लाइन से हैं और बाकी जो पुलिस के कर्मचारी हैं मिला के मिलकर से 1200 के करीब होने चाहिए और 1500 के करीब बच्चे हैं, शहरवासी हैं, तो 2500 से 3000 के बीच में मैं समझता हूँ कि लोग आज इस राष्ट्रीय एकता की जो रन फॉर यूनिटी है वो भाग ले रहे हैं। सबसे पहला एम तो राष्ट्रीय एकता ही है, जैसा कि इसका नाम है रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए। सबसे पहले हमारे स्तर पे एकता, राज्य स्तर पे एकता, राष्ट्रीय स्तर पे एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ सद्भाव सौहार्द बढ़े, सब एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे के साथ हर चीज़ सेलिब्रेट करें, इसके लिए ही राष्ट्रीय एकता को एज ए पर्व हम मना रहे हैं। संकल्प ले सकें कि राष्ट्रीय एकता हमारे लिए सर्वोपरि है। सर किसके जन्म? श्री वल्लभ भाई पटेल, जो कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र माने जाते हैं, जिन्होंने इतनी सारी रियासतों को जोड़ के इस भारत माला को बनाया है, उनकी याद में मनाया। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्राय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबार।